मेरे चैनल के एक और वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फाई मनी में आप कैसे अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। पहला, अगर आपने फाई मनी का जो नेट बैंकिंग होता है फेडरल बैंक में वो अगर एक्टिवेट कर रखा है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा फाई मनी के ऐप से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फाई मनी के ऐप से आप कैसे नंबर चेंज कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी नंबर आप चेंज करना चाहते हैं वो आपके मोबाइल के अंदर रहना चाहिए और उसमें रिचार्ज होना चाहिए। अगर रिचार्ज नहीं है तो आप नंबर चेंज नहीं कर पाइएगा। तो इसमें एक चीज़ और बात का ध्यान रखना है कि मान के चलिए अगर आपके पास फाई मनी का अकाउंट है, जिप्टर मनी का अकाउंट है और आपके पास फेडरल बैंक का भी अकाउंट है, मतलब तीनों में अकाउंट है आपका, तो जैसे ही आप फाई मनी में नंबर चेंज कीजिएगा तो आपका जो दूसरा नंबर है मतलब जिप्टर मनी में और फेडरल बैंक में उसमें भी आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। क्योंकि किसी भी बैंक में हमें सिर्फ एक मतलब कस्टमर आईडी मिलता है और उसी कस्टमर आईडी में सारा चीज़ अपडेट होता है, भले आपका अकाउंट नंबर अलग रहे। तो फाई मनी और जिप्टर मनी ये दोनों में जैसे भी मतलब नंबर हम लोग अपडेट करते हैं तो वो कस्टमर आईडी में चेंज होता है। कस्टमर आईडी आपको फेडरल बैंक से मिलता है तो उससे कनेक्टेड जितने भी अकाउंट रहेंगे आपका सारा में नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए, अगर आप फाई मनी में नंबर चेंज कर रहे हैं तो आपका जिप्टर और जो फेडरल बैंक होता है उसमें भी आपका नंबर चेंज हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आके इस ऐप को सर्च कर लेना फाई मनी को, और यहाँ से आपको सिंपली अनइंस्टॉल दबाना है और इसको फिर से इंस्टॉल कर लेना है। आप या तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हैं या सिंपली ऐप को ओपन करके और इसका जो डाटा है, सॉरी एक बार मैं खोल लेता हूँ आपको। जब ये ऐप ओपन हो जाए और आपका अकाउंट यहाँ पे साइन इन रहे तो सिंपली इसको इसका जो डाटा है उसको ऐप इन्फो में जाके और यहाँ पे आपको क्लियर दबा के और ऑल क्लियर डाटा कर लेना है, ताकि आपका जो साइन इन रहे पहले से वो साइन आउट हो जाए और ऐप आपको फिर से साइन इन का ऑप्शन दे दे। तो मैंने डाटा क्लियर कर लिया, आप चाहें तो सिंपली इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओपन करना है, या डाटा क्लियर करने के बाद यहाँ पर ओपन करना है। उसके बाद जो भी आपका फिंगरप्रिंट वगैरह रहे वो डाल देना है। अब यहाँ पे आपको साइन इन में दबाना है। साइन इन में जैसे दबाएंगे उसके बाद आपको ये पेज दिखेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट वाला दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर का अपडेट लिखा है, इसमें आपको टच करना है। टच करने के बाद आपका जो नंबर नया अपडेट करना है उसको यहाँ पे डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और याद रखें, जो सिम आप अपडेट करना चाह रहे हैं, जैसे मान के चलिए आपका पहले जो नंबर है और दूसरा नंबर जो आप अपडेट करना चाह रहे हैं वो आपका मोबाइल में लगा हुआ रहना चाहिए, और उसमें एक वैलिड रिचार्ज प्लान होना चाहिए जिसमें एसएमएस भेजा जा सके। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे आपको अपना नया नंबर डाल के और नेक्स्ट करना है तो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल चूज करने का ऑप्शन देगा, तो आपको वही ईमेल चूज करना है जो इससे आपने अकाउंट को खोला है। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड ईमेल है जिससे आपने अकाउंट को साइन अप किया है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। तो अकाउंट ईमेल सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका वीडियो वेरिफिकेशन होगा, तो इसमें कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। आपको नेक्स्ट दबाना है, उसके बाद जो परमिशन मांगा जाएगा उसको अलाउ कर देना है, और फिर से यहाँ पे ऑडियो परमिशन को अलाउ कर देना है, और यहाँ पर भी अलाउ कर देना है, और यहाँ पे आपका जो फेस है दिखने लगेगा। तो ये जो सर्किल है उसमें आपको अपना फेस को अलाइन करना है बढ़िया से, और यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो डिजिट दिख रहा है इसको वन बाय वन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करना है, लाइक जैसे भी मेरा दिख रहा है तो मैं बोलूँगा 3 2 1 9। उसके बाद कंप्लीट वीडियो वेरिफिकेशन में आपको क्लिक करना है, इससे आपका वीडियो वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको पेज में आगे पहुँचा दिया जाएगा। चलिए मैं कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका एटीएम पिन मांगा जाएगा, तो जो आपने एटीएम पिन बनाया है उसको यहाँ पे दर्ज करके और यहाँ ग्रीन टिक जहाँ पे है उस पर दबा लेना। तो मैं डाल के कर लेता हूँ फटाकले। पिन डालने के बाद यहाँ पे आपका न्यू मोबाइल नंबर दिख जाएगा और आपको अपना ईमेल दिख जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे अपडेट एंड लॉग इन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ एसएमएस परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नया सिम है उसको सेलेक्ट करके और सिंपली नेक्स्ट कर लेना है, और ये कुछ टाइम लगेगा, ये रजिस्टर करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर है वो अपडेट हो जाएगा, तो आपको वेट कर लेना है और उसके बाद आपका सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो देख के आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप मतलब फाई मनी में नंबर चेंज कर पाएंगे, और ये वीडियो आपको इस बात में बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक रिक्वेस्ट रहेगा हमारे चैनल के ग्रोथ में हमारा मदद करें ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।